वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कुछ शेयर के बारे में जिनके ऊपर रिसेंटली मेरे पास कमेंट आए थे इनके ऊपर कोई डिटेल वीडियो बनाने के लिए। अब जैसा कि मैंने आपके सामने ओपन किया है, इस शेयर का नाम है अक्षर चैम इंडिया लिमिटेड, इसे अक्षर केमिकल भी कहते हैं। इस शेयर का करंट प्राइस है 442.50 रुपीज़ और इसकी डे की क्लोजिंग हुई है 3.94% डे लो पे। एक बार इसके हम फंडामेंटल देख लेते हैं। मैं टिकट ऐप पे आया हूँ, यहाँ पर रिटर्न वर्सेस एफडी काफ़ी बेटर है, जबकि डिविडेंड की बात करते हैं ये कोई अट्रैक्टिव पे नहीं करता। अगर एक बार हम डिविडेंड हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसने 2016 से लगातार डिविडेंड पे किया है 2021 तक, पर 2020 के फाइनल इस ईयर में इसने कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया। अब फाइनेंस की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने ओपन किया है, इसके इंडस्ट्री रिवेन्यू ग्रोथ रेट लास्ट के 5 ईयर के अंदर 5.55%, जबकि सेक्टर की 3.49%, इसके अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहा है। अब नेट इनकम की बात करते हैं, लास्ट के 5 ईयर के अंदर इसकी जो इनकम ग्रोथ रेट है -5.56%, जबकि सेक्टर की 10.86% है। सेक्टर की काफ़ी बेटर है, पर इस कंपनी की ग्रोथ रेट इतनी अच्छी नहीं है इनकम की। अब इसका मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है, काफ़ी बेटर है, पर कोई बहुत बड़ा इंक्रीमेंट नहीं है। अब इसके टोटल रिवेन्यू की बात करते हैं, 2018-19-20-21 2018 में 271 करोड़ का रिवेन्यू था, जो बढ़ के 2019 में 328 करोड़ हो गया, 2020 में 261 करोड़ और 2021 में 247 करोड़। 2019 की बात करते हैं, इसके बाद इसके रिवेन्यू में लगातार कमी आई। 2021 का हम कह सकते हैं कोरोना इफेक्ट हो सकता है, पर 2020 में भी इनके रिवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा कमी आई थी। नेट इनकम की बात करते हैं, कंपनी का जो 2018 का नेट प्रॉफिट था करीब 30 करोड़ का प्रॉफिट था, और वो 2019 में घट के 22 करोड़ रह गया, 2020 में सिर्फ 15 करोड़ और 2021 में करीब 12 करोड़। आप देखोगे इनका प्रॉफिट लगातार कम हो रहा है, पर एक चीज़ अच्छी है कि कंपनी लास्ट के 4 सालों में प्रॉफिट के अंदर है, पर प्रॉफिट लगातार कम होता जा रहा है और रिवेन्यू का भी सेम यही हाल है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। इसमें काफ़ी अच्छी बात है कि प्रमोटर के पास एक अच्छी खासी होल्डिंग है, करीब 62% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। देखो इसमें एक चीज़ से बेटर है, कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, आपका पैसा नहीं डूब सकता। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। अब म्यूचुअल फंड इसमें अपना पैसा निकाल लिया है, DII की बात करते हैं, उनकी होल्डिंग भी ना के बराबर है। FII की बात करते हैं, FII ने भी इसमें देखेंगे तो रिसेंटली अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, पर करीब 1.5 साल पहले इनकी एक अच्छी खासी होल्डिंग थी, पर आज की डेट में FII की होल्डिंग ना के बराबर है और म्यूचुअल फंड तो अपनी होल्डिंग लगभग निकाल ही ली है। अब बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर की। देखो रिटेल इन्वेस्टर की इसमें हम देखेंगे ना तो अभी रिसेंटली होल्डिंग कम हुई है, और अदर पार्टी की जो होल्डिंग है इसमें करीब 12% है और रिटेल की 23% है के आसपास है। अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट की। अगर कोई चाहता है कि लॉन्ग टर्म इस शेयर को रखे, ठीक है, तो उसके लिए मेरे हिसाब से ना आए। मैं बिल्कुल भी इस शेयर के पक्ष में नहीं हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने अपना पैसा निकाल लिया है, बेसिक कंपनी बहुत ज़्यादा स्टेबल है अकॉर्डिंग टू प्रमोटर होल्डिंग, पर लॉन्ग टर्म ये आपको कोई भी अच्छा गेन नहीं देगी। और DII के ने अपना पैसा निकाल लिया, FII ने भी आप देखोगे अपनी होल्डिंग काफ़ी कम की है। एक अच्छी न्यूज़ है कि रिटेल इन्वेस्टर की इसमें अब होल्डिंग थोड़ी कमी आई है, पर इतना बेटर नहीं है। अब बात करते हैं, देखो अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप टेक्निकल को फॉलो करो और इसमें ट्रेड कर सकते हो, पर लॉन्ग टर्म मुझे सही नहीं लग रहा, आप भी अपने एंड पे स्टडी कर सकते हो। अब बात करते हैं लेवल की। अभी का देखो करीब 440 रुपये के आसपास इसका शेयर का प्राइस है। अगर शेयर आपके पास है तो अभी का जो इसमें हमारे पास SL आ रहा है, अगर आपके पास ये शेयर है तो 430 रुपये के SL के साथ आप इसे ट्रेड कर सकते हो। पर अगर आपका थोड़ा इसमें लॉन्ग टर्म का प्लान है तो एक सपोर्ट है 400 रुपये, इस शेयर के 400 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर शेयर ने 400 रुपये से नीचे कभी अपनी डे की क्लोजिंग दे दी तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। कोई भी न्यू बायर अगर इसे बाय करना चाहता है अभी के लिए तो मैं मना करूँगा, जब तक ये 450 रुपये के ऊपर कम से कम 2 या 3 दिन सस्टेन नहीं होता तब तक कोई भी न्यू बायर से बाय ना करे, जो मैंने SL बताया उसके साथ ही आप इसे ट्रेड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के। किसी भी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।